हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स फूड फिला। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और खाने में तो एकदम लाजवाब मूंगलेट बनाने की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है धुली हुई मूंग की दाल। इसे मैंने अच्छे से साफ करके 2-3 बार अच्छे से पानी से धुल के 3-4 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिया था। अभी ये अच्छे से फूल चुकी है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके पानी को निकाल देते हैं। इसके सारे पानी को निकाल कर इसे हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। एक बार में ये बनेगी नहीं, इसीलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में पीस लेंगे। इस तरह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब ऐड करनी है हमें इसमें कुछ सब्जियाँ। ये एक शिमला मिर्ची, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे डाल देंगे। ये थोड़ी सी पत्ता गोभी, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। ये 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी, 2 पिंच के करीब ऐड कर देंगे इसमें हींग। हींग डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब 1/2 चम्मच ऐड कर देंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर, इसे भी मिक्स कर देंगे। ये हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए, इसे अच्छे से गरम होने देंगे। अभी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अभी डालेंगे हम इस पर बैटर। और इसे चम्मच से तवे के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। इस तरह से हम इसे तवे पर अच्छे से फैला देंगे। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। अभी इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से सिकने देंगे। अब इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसके कॉर्नर को चारों तरफ से छुटाते हुए हम इसे पलट देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके चारों तरफ से भी लगा देते हैं जिससे कि नीचे वाली लेयर भी अच्छे से सिक जाए। और इसे दबा दबा कर हम इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से ये अच्छे से सिक गया है, कितना बढ़िया इसका कलर आया। थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर ऑर्गेनो, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ पनीर। बस अभी इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स, बढ़िया सी मूंगलेट बनकर रेडी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर रेडी है। तो इसे एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।